हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है सैंड ब्लास्टिंग इन हैजार्ड्स प्रिकॉशंस। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का ये टॉपिक है सैंड ब्लास्टिंग, और इसमें यही कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो वर्क होते हैं उसी के बारे में बताया भी गया है। ठीक है, तो बेसिकली सैंड ब्लास्टिंग क्या होता है, जब भी हमारा जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अब वो पूरा हो गया है, उसके बाद हम फिनिशिंग देते हैं, तो फिनिशिंग का ही एक पार्ट होता है, रीफिनिशिंग का ही एक पार्ट होता है सैंड ब्लास्टिंग। जब हम पेंट करना शुरू कर रहे होते हैं उससे पहले की जाती है सैंड ब्लास्टिंग। तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है कि सैंड ब्लास्टिंग के क्या क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, क्या क्या हैजार्ड्स उससे हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हमें प्रॉपर सैंड ब्लास्टर यूज़ करना है। जब भी हम सैंड ब्लास्टिंग कर रहे हों, पावरफुल टूल्स जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उन्हें हमें एग्जैक्टली कैसे यूज़ करना है वो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है सैंड ब्लास्टिंग में, जो भी उस पर जो एक्स्ट्रा धूल या कोई भी मटेरियल जो रहते हैं उसमें हम ब्लास्टिंग देते हैं जिससे कि उसकी रीफिनिशिंग आ जाए। ठीक है, उस पर कोई भी चीज़ अगर जिस जो बिल्डिंग है और कंस्ट्रक्शन हुआ है उस समय पे जो भी उस पर होने वाली गंदगी हुई है वो सारी चीज़ें हटाई जाती हैं ताकि उसे बिल्कुल वेल प्रिपेयर हम कर सकें। ठीक है, तो ये कहलाती है सैंड ब्लास्टिंग। अब सैंड ब्लास्टिंग करने के जो तरीके हैं उनके लिए हमें PPEs वेयर करनी होंगी, क्योंकि हैजार्ड्स हो सकते हैं उनसे भी, क्योंकि देखिए आपके आईज़ को इरिटेशन हो सकता है उससे। ठीक है, प्रॉपरली हमें देखिए PPEs वेयर करनी उसमें ज़रूरी है। आईज़ हमें इरिटेशन हो सकता है, आईज़ में हम वहाँ की जो जो एयर है उसे अगर इनहेल कर रहे हैं तब भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हमें पूरी तरीके से ये भी ध्यान रखना है कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसमें होने वाले जो भी हैजार्ड्स हैं उनसे भी हमें खुद को प्रिवेंट करना है ना। तो हम क्या करेंगे, हम खुद को सेफ़ रखने के लिए प्रॉपर PPEs वेयर करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, हमें कितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हों, कितने भी एक्सीडेंट से बचना है, खुद को सेल्फ प्रोटेक्ट करना है, तो हमें PPEs वेयर करने होंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स वेयर करने ही होंगे। ठीक है, तभी हम ऐसे होने वाले एक्सीडेंट से खुद को बचा सकते हैं। तो देखिए, सैंड ब्लास्टिंग में जो यूज़ किया जाता है, इस तरीके के मटेरियल्स रहते हैं, उसमें आपको प्रॉपर हेलमेट वेयर करना होगा, सेफ्टी गॉगल्स वेयर करने होंगे, प्रोटेक्टिव गॉगल्स ग्लव्स हैं वो वेयर करने होंगे, मास्क भी वेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो होने टिनी पार्टिकल्स और डिब्रीज जो रहते हैं, जब आप सफाई वहाँ, मतलब एक तरीका का साफ़ सफाई हुआ ना ये, हम वहाँ से वहाँ के जो भी इतने समय से जो लगने वाली धूल है, जो सारे मटेरियल्स उस पर चढ़ गए हैं, वो सारी चीज़ें हम रिमूव कर रहे हैं ना, तो एक तरीके से क्या हुआ, डिब्रीज और धूल डस्ट वगैरह ये तो हुई ना, तो ये वही सब बता रहा है। ठीक है, तो उसको कैसे अवॉइड करना है, कैसे सारी चीज़ें हटानी है, तो उसके बारे में जब वो काम कर रहे हैं आप, तो देखिए होने वाले जो भी जितनी भी मटेरियल्स है वो आप इनहेल कर कर लेते तो आपको नुकसान होगा। तो इसीलिए इसमें बताया गया है कि आप वेयर मास्क को वेयर करें, आपको अवॉइड करना है वहाँ के एयर को इनहेल करना, खुद को टिनी पार्टिकल्स और डेब्रीज से बचाना है। ठीक है, क्लीन अप करते वक्त आपको ध्यान रखना है, जब भी आप साफ सफाई कर रहे हैं तो आपको पूरे फुल स्लीव्स के क्लॉथ्स भी वेयर कर रहे हैं, प्लस आपको अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए PPEs भी वेयर करना है। ठीक है, तो वैसे तो ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है सैंड ब्लास्टिंग, तो इसमें यही है सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको ये लेने हैं, हैजार्ड जिससे होने वाले यही हैं कि आप जो भी स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं, डेब्रीज रहती हैं, और स्मॉल टिनी पार्टिकल्स आप इनहेल कर लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये एक डिसीज़ हो सकती है इन सबसे, है ना। तो उसी के बारे में बताया गया है कि आपको प्रॉपर अपने PPEs वेयर करनी है, मास्क वेयर करना, ताकि इस तरीके के एक्सीडेंट से आप बच सकें। ठीक है, तो देखिए कंस्ट्रक्शंस में ही बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शंस में ही क्या होता है, इस तरीके के वर्क जो हैं वो सैंड ब्लास्टिंग कंस्ट्रक्शन में ही यूज़ की जाती है टोटली ये है, क्योंकि वहीं पर ऐसा होता है कि बिल्डिंग बन रही है, टाइम लग रहा है, तो नीचे जो फ्लोर बना है उसके ऊपर जो बना है तो उस पर ये सारी चीज़ें हो ही जाती हैं, उसे रीफिनिशिंग क्यों हम फिनिशिंग करते हैं, इसीलिए तो करते हैं ना, उसको बोलते हैं कि घर को फिनिशिंग देना बाकी है। अब तो फिनिशिंग में यही आता है कि हमको उसके जितने भी उसके ऊपर पार्टिकल्स चढ़े हुए हैं, धूल हो गई है, या जो भी हमने सीमेंट यूज़ किया है, या ओवर कोटिंग जो भी हो गई, वो सारी चीज़ें हटा देना। ठीक है, तो उसी के बारे में ये बताया गया कि सैंड ब्लास्टिंग इस तरीके से की जाती है। तो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी ऑलमोस्ट आपका ये कंप्लीट हो ही गया है, उसके कुछ टॉपिक्स और बचे हुए हैं वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी कर दूंगी। ठीक है, तो सैंड ब्लास्टिंग हो जाएगा ये अभी यहाँ से फिनिश। ठीक है, लगभग सभी टॉपिक्स आपको समझ आ गए होंगे कि कंस्ट्रक्शन में ऐसे क्या क्या टॉपिक्स आते हैं जिनको हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो
ये देखिए, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि कंस्ट्रक्शंस में भी बहुत सारी सेफ्टी की चीज़ें रहती हैं, और सेफ्टी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि होने वाले एक्सीडेंट्स अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर उतनी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको प्रॉब्लम देंगी, क्योंकि जब तक आप एक्सीडेंट्स लेवल कम नहीं करेंगे तब तक आपकी जो कंपनी की क्वालिटी है वो चेक की जाती है, तो कहीं ना कहीं वो मिस रहेगी, तो उसको संभालने के लिए आपको ये सारी सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सैंड ब्लास्टिंग के बारे में आज बताया। सो थैंक यू।